हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टोर वॉच 20 mAh टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कैसे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये स्टोर वॉच 20 टैबलेट जो कि सन फार्मा कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 188 रुपये है, जो कि इसमें 15 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो एमिक टेटोर वास 13 20 mg। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 1, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 2, हाई कोलेस्ट्रॉल या LDL और HDL, HDL को बढ़ाता है और LDL को घटाता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है ये टैबलेट। नंबर 3, ये टैबलेट हार्ट अटैक से भी बचाता है। नंबर 4, हार्ट अटैक जब हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, तब रीजन बन जाता है ब्लड रेसलेस का नैरो होने का, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उस वजह से हार्ट डिजीज होने लगती है, स्ट्रोक आने लगती है, हार्ट अटैक की समस्या होने लगती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का यूज करवाते हैं, यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये टैबलेट। तो दोस्तों इस टैबलेट को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस टैबलेट को। तो दोस्तों इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन को देखकर यूज करवाते हैं। और आपको ये टैबलेट निगलना है, तोड़ना नहीं है, और निश्चित समय पर लें, फिक्स टाइम पर लें। जैसे कि मान लीजिए आज 10 बजे ले रहे हैं, तो कल भी आपको 10 बजे ही लेना है। ये नहीं कि आज 10 बजे ले रहे हैं तो कल 12 बजे ले लें, ऐसा नहीं करना। आपको एक फिक्स टाइम बना लीजिए तो आप उसी वक्त लें। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, बार दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो इस टैबलेट का यूज ना करें। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था इसका हमारा वीडियो स्टोर वॉच 20 टैबलेट के बारे में। और दोस्तों इस तरह टैबलेट में और भी कई कंपनी के टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि लिप वॉच 20 टैबलेट, एटोरवा 20 टैबलेट, एटोर लिप 20 टैबलेट, लिपिकाइन 20 टैबलेट, एवास 20 टैबलेट, जो कि दोस्तों टैबलेट एक ही होती है, बस कंपनी फर्क होता है, वर्क और इंग्रीडियंट दोनों सेम होती है, तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।